हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय खगोलविदों ने ब्रह्मांड में एक नए आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी की खोज की है, इसका क्या नाम है? भारतीय खगोलविदों ने ब्रह्मांड में एक नए आकाश गंगा की खोज की है, इसका क्या नाम है? चार ऑप्शंस हैं, मेसियर 101, AUDFS 01, सोम्ब्रेरो, एंटेने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है AUDFS 01। जी हाँ, भारतीय खगोलविदों ने ब्रह्मांड में एक नए गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा की खोज की है और इसका नाम है AUDFS 01। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को 3 महीने के अंदर हटाने का निर्देश दिया है, और ये किस शहर की 140 किलोमीटर रेल की पटरियां हैं ये आपको बताना है। चार ऑप्शंस हैं, उज्जैन, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली। जी हाँ, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की 140 किलोमीटर रेल की पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज बुक किसने लॉन्च की है? हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज बुक किसने लॉन्च की है? चार ऑप्शन हैं, वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। जी हाँ, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा लॉन्च की गई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मास्क एटीएम का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में मास्क एटीएम का उद्घाटन किया गया? चार ऑप्शंस हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश में हाल ही में मास्क एटीएम का उद्घाटन किया गया। और उत्तर प्रदेश के किस शहर में? तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में मास्क एटीएम का उद्घाटन किया गया है। इसमें एक एटीएम मशीन लगी होगी जिसमें कि ओनली फाइव रुपीज़ में आपको मास्क प्राप्त होगा, और बिना मशीन को छुए वहां हाथों को सैनिटाइज किए जाने की भी व्यवस्था है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में मास्क एटीएम का उद्घाटन किया गया, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में ये एटीएम लगाया गया है जिसमें 5 रुपीज़ में एक मास्क प्राप्त हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बजाज एलियंस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? बजाज एलियंस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? चार ऑप्शन हैं, कियारा आडवाणी, सलमान खान, आलिया भट्ट, आयुष्मान खुराना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आयुष्मान खुराना। जी हाँ, बजाज एलियंस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आयुष्मान खुराना को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअली आयोजित की गई 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? चार ऑप्शन हैं, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, प्रहलाद सिंह पटेल, पीयूष गोयल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल ने इस संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से हिस्सा लिया, और प्रहलाद सिंह पटेल जो हैं वो भी हैं संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री, और इन्होंने भारत की तरफ से हिस्सा लिया। और ब्रिक्स नेशंस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रिक्स नेशंस में कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स नेशंस की 5वीं जो संस्कृति मंत्रियों की बैठक थी उसमें भारत की तरफ से भारतीय संस्कृति पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हिस्सा लिया। हाँ, ये बैठक वर्चुअली आयोजित की गई थी।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश पत्रकार द्वारा टॉप थिंकर 2020 में कौन शीर्ष पर रही। ब्रिटिश पत्रकार द्वारा टॉप थिंकर 2020 में कौन शीर्ष पर रही। चार ऑप्शंस हैं, के शैलजा, जेसिका आर्डन, एंजेला मर्किल, निर्मला सीतारमण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है के शैलजा। जी हाँ, के शैलजा जी ब्रिटिश पत्रकार द्वारा टॉप थिंकर 2020 में शीर्ष पर रही हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीचर ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। चार ऑप्शन हैं, आनंद महिंद्रा, शांतनु नारायण, सुश्री सुधा पेनली, डॉक्टर राजकुमारी चौहान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर राजकुमारी चौहान। जी हाँ, डॉक्टर राजकुमारी चौहान को टीचर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है और ये 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के मौके पर ये सम्मान दिया गया इन्हें। और हाँ, सुश्री सुधा पेनुली, इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक घोषित किया गया है। दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सुश्री सीधा पेनुली को राष्ट्रीय शिक्षक घोषित किया गया है और टीचर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर राजकुमारी चौहान को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है। चार ऑप्शंस हैं, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंजाब। जी हाँ, पंजाब ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है और इसका मेन उद्देश्य, मुख्य जो उद्देश्य है वो हरियाली की रक्षा करना, हरियाली को बढ़ावा देना, ग्रीनरी को बढ़ावा देना है और इसे लॉन्च किया है पंजाब राज्य ने। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर कौन बने हैं। तो पहले क्रिकेट एम्बेसडर बने हैं, चार ऑप्शंस हैं, ड्वेन ब्रावो, रोहित शर्मा, सुरेश रैना और हरभजन सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, वो स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर बने हैं। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या था। हमारा कल का प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य सरकार में M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने हाल ही में M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। आइए देखते हैं हमारे आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में किसने COVID-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट विकसित की है। चार ऑप्शंस हैं, DRDO, टाटा स्टील्स, ICMR, IIT कानपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसी तरह की करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।